दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर के गार्डन में करंट फैल गया। करंट से दो गाय और एक बिल्ली की मौत हो गई है। गार्डन की फेसिंग तार में करंट फैला था और गार्डन की सुरक्षा के लिए यहां पर फेसिंग तार लगाई गई थी। रोजाना इस गार्डन में सैकड़ों लोग भी यहां पर आते हैं और कलेक्ट्रेट परिसर के गार्डन में करंट फैला। दुर्ग से इस वक्त की खबर है, जहां करंट से दो गाय और एक बिल्ली की मौत हो गई, यानी कि जानवर जो है वो उस करंट की चपेट में आ गए। गार्डन की फेसिंग के तार में ये करंट फैला था। तो गार्डन की सुरक्षा के लिए फेसिंग यहाँ पर लगाई गई थी और रोजाना इस गार्डन में सैकड़ों लोग आते हैं। देखिए, यहाँ पर ये भी एक जानकारी सामने आ रही कि लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और जाहिर सी बात है कि उनकी जान को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा था। हालांकि इस हादसे में दो गाय और एक बिल्ली की मौत हो गई है। तो गार्डन की फेसिंग के तार में करंट फैला, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। दुर्ग से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, देखिए, यहाँ पर जानवरों की मौत तो हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सैकड़ों लोग भी यहाँ पर आना जाना करते थे, उसके बावजूद भी इसको ध्यान नहीं दिया गया। बहुत बड़ी बात यह है कि दुर्ग का कलेक्टर है, दुर्ग न्यायालय का क्षेत्र है, ये शताब्दी गार्डन है और इस गार्डन में रख रखाव का काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसकी लो करके फेंसिंग किया गया है और उसी फेंसिंग से लगे हुए जो स्ट्रीट पोल है वो लगे हुए हैं। और एक बड़ी घटना हुई है, जो फेंसिंग तार है उसमें करंट आ गया या फिर करंट लगाया गया था, ये अब तो जांच का विषय है। लेकिन इसमें दो गाय और एक बिल्ली की मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये बिल्ली और जो गायों की मौत अगर नहीं होती तो ये पता नहीं चल पाता कि इस फेंसिंग में जो है करंट है। और ऐसे में जो रोजाना यहाँ लोग जो आते हैं कलेक्टेड और कोर्ट में जो लोग आते हैं वो यहाँ आ करके बैठा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है उसमें मजदूर जो आते हैं वो सुबह सुबह मजदूर पहुंचते हैं, वो भी अगर इसकी चपेट में आ सकते हैं, जबकि अगर जानकारी नहीं हो पाती तो एक बहुत बड़ा विषय है। अब तक जो है इसको देखने के लिए कोई जिम्मेदार लोग नहीं पहुंचे हुए हैं। जो यहाँ आसपास के लोग हैं उनके द्वारा ये देखा जा रहा है और लोगों को अपने आप से दूर रखा जा रहा है ताकि करंट की उसमें जो तार है उसमें करंट है या नहीं है इसका जांच नहीं हो पाया है। तो ऐसे में लोग अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं। बहुत बड़ा है और अब तक यहाँ पर जिम्मेदार लोग नहीं पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद जो है वो क्या एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल आकाश, जैसा कि आपने भी कहा कि बड़ा सवाल ये कि अब तक जिम्मेदार यहाँ पर नहीं पहुंचे और शुरुआती जांच भी अब तक नहीं हुई। फिलहाल आगे अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।